मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम के कार्यक्रम के दौरान एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला बीमार थी और अपनी समस्या को दूर कराने के लिए बागेश्वर धाम पहुंची थी। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम में इन दिनों धार्मिक महाकुंभ लगा हुआ है। इस महाकुंभ में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिव्य चमत्कारी दरबार लगा रखा है। यहाँ काफ़ी संख्या में लोग अपनी अर्जी व समस्याओं को लेकर पहुँच रहे हैं। इसी दिव्य चमत्कारी दरबार में बुधवार 15 फरवरी को भारी भीड़ के बीच एक बीमार महिला अर्जी लगाने पहुँची। हालांकि अर्जी का नंबर आने से पहले ही महिला ने दम तोड़ दिया था। उसका नाम नीलम देवी बताया जा रहा है। वो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की रहने वाली है। सूत्रों के मुताबिक नीलम देवी बीमार थी। बागेश्वर धाम के कार्यक्रम स्थल के पास ही नीलम देवी की तबीयत अचानक से ज्यादा खराब हो गई और उनकी मौत हो गई। बागेश्वर धाम को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चलाते हैं। वो और उनके भक्त चमत्कार से लोगों की समस्याएं दूर करने का दावा करते हैं। कुछ समय पहले तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन बीते हफ्तों में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर जादू टोना और चमत्कार के नाम पर लोगों को गुमराह करने के आरोप लगे हैं। असल न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट।